हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 20 चैप्टर, जिसका क्या नाम है बच्चों? जन्नत की बहादुरी। वेरी गुड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जन्नत की बहादुरी। जन्नत एक प्यारी सी बेटी है। इस कहानी में बताया है कि उसने बहादुरी कैसे दिखाई। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने 19 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? कर लिया? वेरी गुड। ठीक है, पढ़ते हैं हम अगला चैप्टर। क्या है बच्चों अगला चैप्टर? जन्नत की बहादुरी 20 चैप्टर। ओके, इसको पहले पढ़ते हैं और फिर इसकी कहानी को समझेंगे और उसके बाद हम अपना अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। चलो, जन्नत आज बहुत उत्साहित थी। उसे आज अम्मी अब्बू के साथ मेला घूमने के लिए जाना था। वह बड़ी नटखट और शरारती थी, इसलिए अब्बू ने उसे खूब समझाया। जन्नत बिटिया, मेले में बहुत भीड़ होती है। उस भीड़ में बच्चों के खो जाने का डर रहता है, इसलिए तुम इधर उधर मत भागना। मेरा या अम्मी का हाथ पकड़ कर रखना, समझे ना बच्चों? वेरी गुड। चलो, जन्नत ने सहमति से सिर को हिला दिया। दोपहर के समय वे घर से निकले। सर्दी के दिन थे, गुनगुनी धूप अच्छी लग रही थी। घर के पास ही बस स्टॉप था, जहाँ से मेले के लिए बस मिलनी थी। वह अपने अम्मी अब्बू के साथ बस में बैठ गई। बस में उन्हें ठीक मेले के मुख्य द्वार पर उतारा। मेला एक विशाल परिसर में लगा था। इतना बड़ा मेला जन्नत ने पहली बार देखा था। जन्नत कौन है? जन्नत एक प्यारी सी बेटी है। उसने पहली बार इतना बड़ा मेला देखा था। फिर आगे पढ़ते हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें सजी थी। खिलौने, कपड़े, लड़की की वस्तुएं मतलब सजावट का सामान, बिजली से चलने वाले उपकरण, खाने पीने का सामान, हर तरह की वस्तुएं वहाँ मेले में मिल रही थी। प्यारे बच्चों, उसके आगे क्या बता रहे हैं? जन्नत जब मेले में पहुंची थी तो मेले में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उन्होंने आराम से जाकर खरीदारी करी। जन्नत के लिए अम्मी ने गुड़िया और खिलौने खरीदे। उन्होंने उसके लिए सुंदर सा फ्रॉक भी खरीदा। अब्बू ने अपने लिए जूते खरीदे। अम्मी ने घर के लिए सजावट की कुछ वस्तुएं और अपने लिए एक शॉल खरीदी। किसने? अम्मी ने। वेरी गुड। घूमते घूमते वे थक गए थे। जन्नत को अब भूख लगने लग गई। वे एक जलपान गृह में गए। बच्चों पता है आपको जलपान गृह क्या होता है? हाँ, एक खाने की दुकान पर गए। गुड। वहाँ उन्होंने पानी पूरी, डोसा, आइसक्रीम खाई। अब मेले में बहुत भीड़ हो गई थी। वे मेले से बाहर निकलना ही चाहते थे कि जन्नत को झूला दिखा। झूले के ऊपर नीचे होते देख वह इतनी मगन हो गई कि अम्मी अब्बू कब आगे निकल गए जन्नत को पता ही नहीं चला। उसका ध्यान गया तो अम्मी अब्बू को न पाकर वह घबरा गई। डर के मारे उसे रोना आने लगा। उसने दो तीन बार अम्मी अब्बू को आवाज़ दी, पर भीड़ में कौन सुनता बच्चों? इतनी जो भीड़ थी मेले में। जन्नत को अचानक पिताजी की बात याद आई। यदि तुम मेले में हमेशा हमसे अलग हो जाओ तो वहाँ घूम रहे पुलिस वालों के पास चली जाना। वेरी गुड, आप कहानी को बड़े अच्छे से सुन रहे हो। चलो, वे तुम्हारी मदद करेंगे। जन्नत ने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई। मेले के बीच में बनी छतरी के पास दो पुलिस जवान खड़े थे। जन्नत उनके पास गई और अपनी परेशानी बता दी उन्हें। नन्ही सी जन्नत की बहादुरी देखकर पुलिस वालों को आश्चर्य हुआ। छोटी सी जन्नत जब पुलिस वालों के पास गई और उसे बताया कि पुलिस अंकल मैं खो गई हूँ, ये सब सुनकर और देखकर पुलिस वाले चौंक गए और आश्चर्य हुआ उन्हें। उन्होंने जन्नत के अम्मी अब्बू का नाम और मोबाइल नंबर पूछा। जन्नत को सब कुछ याद था। पुलिस वालों ने जन्नत के अब्बू को फ़ोन किया और जन्नत के यूं खो जाने से अम्मी अब्बू भी परेशान हो रहे थे। जरा सी देर में ही वे जन्नत को लेने आ गए। कहाँ पे? पुलिस वालों के पास। वेरी गुड। उन्होंने जन्नत को खूब प्यार किया और पुलिस वालों ने भी जन्नत की बहादुरी की प्रशंसा की। वेरी गुड बच्चों, आप अच्छे से कहानी को सुन रहे हो। पुलिस वालों को धन्यवाद देकर सभी खुशी खुशी कहाँ चले गए? घर लौट गए।
बहुत अच्छे, आपने तो पाठ को बड़े अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना अभ्यास क्यों किया जाता है? ताकि हम लोगों को पता चल सके हमने इस पाठ से कितना और क्या सीखा है। ठीक है, अभ्यास करते हैं बच्चों। बताओ इस पाठ में कुछ ये नए शब्द हैं, इनको हमको पढ़ना है और यहाँ पे नीचे इनके अर्थ लिखे हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं और नए शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे उत्साहित, नटखट, परिसर, छतरी, मुख्य, मगन, शरारती, सहमति, सजावटी और आश्चर्य जलपान जैसे नए शब्द इस चैप्टर में आए हैं। चलो बच्चों अब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, उनके सामने उन शब्द का अर्थ लिखा है, उनको समझते हैं। उत्साहित, उत्साहित का अर्थ आपको पता है, वेरी गुड, जोश में आना। नटखट का अर्थ है चंचल। ऐसे ही सभी शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों कहानी तो आपने पूरी पढ़ ली है और आपने समझ भी तो लिया है। चलो इस कुछ प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देते हैं जो हमसे पूछे गए हैं। मेले में जाने से पहले जन्नत के अब्बू ने उसे क्या समझाया था? बच्चों जब मेले में जाने से पहले अब्बू ने उसको कुछ कहा था ना, बच्ची को क्या कहा था? बोलो, जन्नत को क्या कहा था? यही कहा था ना कि मेले में बहुत भीड़ होती है, अम्मी का या फिर मेरा हाथ पकड़ कर रखना। बहुत अच्छे, आगे बताओ बच्चों मेले में कौन कौन सी दुकानें थी? बताओ, वेरी गुड, खेल खिलौने की दुकानें थी और बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं की दुकानें थी। बहुत अच्छे, वो आप चैप्टर से पढ़ोगे और फिर से पढ़ोगे और फिर वहाँ पे क्या कर दोगे, उनका जवाब लिख दोगे। बहुत अच्छे, अम्मी ने जन्नत के लिए क्या खरीदा बच्चों? वेरी गुड, फ्रॉक खरीदा था ना, हाँ वही लिखना है। जलपान गृह में उन्होंने क्या खाया? उन्होंने डोसा खाया, पानी पूरी खाई, यही खाया था ना, वेरी गुड। चलो अम्मी अब्बू से अलग हो जाने पर जन्नत ने क्या किया था बच्चों? क्या किया था बोलो? हाँ, वो पुलिस अंकल के पास चली गई थी। गुड, चलो आगे की व्याख्या को सही करते हैं अब चौथे क्वेश्चन में। हाँ यहाँ पे कुछ वाक्य दिया है, इनको सही कर कर लिखना है। इसे क्या लिखा है मेरा काम नहीं है, यह यहाँ पे हमें सही करना है। ये वाक्य उल्टा सीधा लिखा है, इसको अच्छे से लिखना है। बताओ ये कैसे होगा? मेरा यह काम नहीं है ऐसे लिखेंगे या यह मेरा काम नहीं है ऐसे लिखेंगे? बहुत अच्छे, यह मेरा काम नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही लिख देंगे, यह यहाँ पे लिखना है, मेरा काम नहीं है यहाँ पे आगे लिख देना है, ये वाक्य सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे के दो वाक्य को भी ऐसे ही सही करना है। करोगे ना अपना होमवर्क? वेरी गुड, आगे चलते हैं और पांचवे शब्द को मतलब पांचवे प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। बच्चों घूमते घूमते आते जाते ये शब्द साथ साथ आते हैं और इन्हें जोड़े और शब्द या युग्म शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म शब्द। अपनी समझ से ऐसे ही कुछ शब्द लिखो। देखो बच्चों, क्या घूमते घूमते आते आते जाते ये सब, घूमते घूमते आते जाते ऐसे कुछ शब्द है ना, अपनी समझ से इसी प्रकार यहाँ पे कुछ शब्द लिखने हैं। लिखोगे ना? बहुत अच्छे, अब आते हैं छः नंबर के क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है? अपने बारे में जानकारी लिखो। बच्चों आपको याद है आपके बारे में जानकारी क्या क्या पूछा है? तुम्हारा नाम पूछा है, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, अपनी मम्मी का नाम लिखोगे, पिताजी का नाम और अपने घर का पता लिखोगे ना, वेरी गुड। आपको याद करना है अपने पापा का मोबाइल नंबर, अपने घर का एड्रेस, अपना नाम और अपनी मम्मी और पापा का नाम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है अपनी सीट पर और याद भी करना है। करोगे ना? बहुत अच्छे बच्चों, बताओ अपने गांव शहर में लगे किसी मेले के बारे में। आपके यहाँ पे मेला लगता है? हाँ मेला तो हर जगह लगता है, बताओ उस मेले के बारे में यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, वेरी गुड।
चलिए आपने तो 20 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में 21 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ताजमहल। उसे पढ़ने से पहले आपको 20 चैप्टर का ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, तभी तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय बच्चों।